म्यूजिक टू माय ears. अगर आप इस साउंड को पहचानते हो तो मुझे यकीन है कि आपका बचपन काफी बेहतर रहा है। जो इस साउंड को नहीं पहचान पाए उन्हें बता दूं कि एक बेंटन नाम का शो था जो कि 2005 में कार्टून नेटवर्क पे रिलीज हुआ था। ये एक एनिमेटेड शो है जिसकी पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा थी और अभी भी इसके फैंस दुनिया भर में बहुत ही ज्यादा मात्रा में हैं। इस अमेरिकन एनिमेशन के फेमस होने के पीछे का सबसे बड़ा कारण था इसकी स्टोरी, जिसमें कि एक 10 साल का छोटा बच्चा होता है जिसको एक एलियन डिवाइस मिलता है जो कि एक वॉच होती है, और उस वॉच की मदद से वो अलग अलग एलियंस में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। अब उस वॉच को पाने के लिए एक फिलगैक्स नाम का विलन बेन 10 का पीछा करता है, और लोगों को इस विलन से बचाने के लिए बेन 10 इस वॉच की मदद से विलगैक्स को कई बार हराता है। इस प्लॉट की वजह से ये शो इतना ज्यादा फेमस हुआ कि जितना बड़ा फैन बेस आज पोकेमोन और ड्रैगन बॉल जी का है उतना बड़ा फैन बेस बेन 10 का हुआ करता था। लेकिन इतना फेमस होने के बावजूद भी ये शो आखिरकार फ्लॉप हो गया। अब इतना फेमस और प्रॉफिटेबल बिजनेस आखिर फ्लॉप कैसे हो सकता है, आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर बेन 10 इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ कैसे। वेल, इसका जवाब है रिलेटेबिलिटी। जब ये शो प्रीमियर हुआ था तो उस समय बच्चों की लाइफ काफी बोरिंग हुआ करती थी, यानी डेली उन्हें सेम ही काम करने होते थे, जिसकी वजह से उन्हें अपनी लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग चाहिए था, और इस इंटरेस्टिंग चीज की कमी पूरी की बेन 10 ने। क्योंकि बेन 10 का कैरेक्टर भी एक 10 साल का स्कूल बॉय है जिसको समर वेकेशन में एक एलियन वॉच मिलती है और उसका एडवेंचर शुरू होता है, और यही उन बोर हो रहे बच्चों के लिए एक अपनी फैंटेसी इमेजिन करने का जरिया बना, और इसी वजह से इस शो ने वर्ल्ड वाइड काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन की, जिसकी वजह से आने वाले कुछ ही सालों में ये टॉप एनिमेशन शो बन चुका था। अब इसके क्रिएटर सिर्फ यहीं नहीं रुके, उन्होंने इसके सीक्वल को प्रीमियर करना शुरू किया जो कि थे बेन 10 एलियन फोर्स एंड बेन 10 अल्टीमेट एलियन, जो कि ह्यूज सक्सेस थे। बेन 10 की इन दो सीरीज के आने के बाद से बेन 10 की पॉपुलैरिटी और भी ज्यादा बढ़ गई थी। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि जो बच्चे बचपन से ही बेन 10 को देखते हुए आ रहे थे वो उसके साथ रिलेट कर पा रहे थे, और जैसे जैसे वो ऑडियंस बड़ी हो रही थी उसके साथ साथ ही बेन 10 की उम्र भी बढ़ रही थी, जो कि ऑडियंस को और ज्यादा रिलेटेबल लग रहा था। लेकिन अब इसके बाद क्रिएटर्स ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से इस शो को सबसे बड़ा धक्का लगा। इसके क्रिएटर्स ने इस शो को किड शो बोलकर ही मार्केट किया। उनका सोचना तो ये था कि वो इसकी वजह से और नई ऑडियंस को ग्रैब कर पाएंगे, लेकिन इसकी वजह से वो अपनी करंट ऑडियंस को डिससेटिस्फाई कर रहे थे, क्योंकि जो ऑडियंस बेन 10 को देखते देखते मैच्योर हुई थी उस ऑडियंस को बेन 10 को एक ग्रोन अप की तरह बिहेव करते हुए देखना था, जिस चीज को क्रिएटर्स डिलीवर नहीं कर पाए, और ज्यादा पाने के लालच में वो उस ऑडियंस को भी खोने लगे जिस ऑडियंस की वजह से बेन 10 पॉपुलर हुआ था। लेकिन इस बात को या तो क्रिएटर्स समझ नहीं पाए या फिर समझना नहीं चाहते थे, और लेकर आए बेन 10 ओमनिवर्स। बेन 10 ओमनिवर्स की स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी और नई थी, जिसमें कि हमें काफी सारे नए नए आर्क्स देखने को मिले थे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी गलती वो ये कर बैठे कि उन्होंने इसका एनिमेशन आर्ट चेंज कर दिया, जिसकी वजह से अगेन रिलेटेबिलिटी का इशू आया। अब जो ऑडियंस बचपन से ही बेन 10 को देखते हुए आ रही थी वो एक पर्टिकुलर आर्ट के हिसाब से ही बेन 10 को पहचानती थी। अब भले ही ओमनिवर्स की स्टोरी काफी अमेजिंग थी, लेकिन क्योंकि क्रिएटर्स ने आर्ट स्टाइल चेंज कर दिया था तो ऑडियंस ने इसको इतना ज्यादा पसंद नहीं किया, और अब धीरे धीरे बेन 10 की ऑडियंस कम होने लगी। लेकिन अभी भी क्रिएटर्स नहीं समझ पाए थे कि उनकी ऑडियंस कम क्यों हो रही है, और वो नई ऑडियंस को टारगेट करने के लिए बेन 10 का एक रिबूट बना बैठे, जो कि इस फ्रेंचाइजी की सबसे बड़ी गलती थी। अब क्योंकि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा कि ये शो चला ही इसलिए था क्योंकि ये रिलेटेबल था, पर अब प्रॉब्लम ये थी कि इस शो में कैरेक्टर की एज को बढ़ाने की बजाय इस पूरे शो को ही रिबूट कर दिया गया, और वो भी वर्स्ट पॉसिबल एनिमेशन आर्ट के साथ, जिसकी वजह से जितनी भी ऑडियंस बचपन से इस शो को देखती हुई आ रही थी वो सब इसको छोड़कर जाने लगे, एंड अनफॉर्चुनेटली ये पूरा का पूरा बेन 10 यूनिवर्स यहीं पर खत्म हो गया। तो इस वीडियो में हमने जाना कि अगर क्रिएटर्स अपनी ऑडियंस को अच्छे से समझते और उनकी नीड्स के हिसाब से अपने कंटेंट को और मैच्योर करते तो आज बेन 10 दुनिया के टॉप एनिमेशन शोज में से एक होता। लेकिन इस कंपनी के क्रिएटर्स ने ज्यादा पाने के लालच में जो उनके पास था और जो उनके पास हो सकता था वो सब खो दिया।
तो यही था दोस्तों बेन 10 के फ्लॉप होने के पीछे का सबसे बड़ा कारण। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ये वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।